करते हैं मेहंदी, जिसकी एक्सक्लूसिव कवरेज की सास बहू और बेटियां ने, और इसके सभी नज़ारे सास बहू और बेटियां आपके लिए ले आया है। तो चलिए, शादी से पहले की रस्में किस तरह से हुई और उसमें क्या क्या धमाल हुआ, आज हम आपको दिखाते हैं। आज नेहा लक्ष्मी के हाथों में लग रही है रुद्रेश के नाम की मेहंदी, और होने वाली दुल्हनिया देखिए कैसे सज धज कर तैयार है और अपने हाथों और पैरों में लगवा रही है पिया के नाम की मेहंदी। में खास मेहमान बनकर आई हैं श्रीनु पारेख और मानसी, साथ है नेहा लक्ष्मी का पूरा परिवार जो इस दुल्हनिया को पैम्पर कर रहा है। स्वागत है हमारी नेहा लक्ष्मी की मेहंदी में। और उसकी मेहंदी लग रही है, हम लोग भी अभी मेहंदी लगाने वाले हैं, बट वी आर वेरी एक्साइटेड, और अभी बहुत सारा नाच गाना भी होने वाला है। yes. हम अभी नहीं लगा सकते, हमारी ड्यूटीज है ना, हमें सब काम करना पड़ता है। ज्यादा काम मम्मी कर रहे हैं जैसे, बहुत काम। अच्छा अभी टचअप करके आए ताकि हम अच्छे दिखे, वरना हम कब से काम कर रहे थे। यस, बट वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड कि नेहा लक्ष्मी की शादी है और आज मेहंदी है। हमने कब से आई थिंक ये सपना देखा है कि हम कब उसकी मेहंदी होगी, उसकी शादी होगी, और आज फाइनली यू नो दिस इज द डे एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और आज हम लोग आप सबके सामने हैं। तो चलिए देखिए हमारी दुल्हन कैसी लग रही है। इंट्रोडक्शन में मुझे रुला दिया ये सब बोल के। या आई वाज नॉट सपोज्ड टू क्राई शुरू में ही, बट आई एम सो एक्साइटेड, एवरीबॉडी इज हियर, ऑल माय न्यूडियर वंस आर हियर, एंड अभी ऐसी फीलिंग आ रही है ब्राइड वाली। अब तक तो मैं काम कर रही थी, यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रही थी, अब मुझे सब लोग ने जबरदस्ती बिठा दिया है क्योंकि मेहंदी लगवाने के लिए बैठना पड़ेगा चुपचाप से। तो अब थोड़ी सी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, अब थोड़ी रियलाइजेशन हो रही है। हाँ अंकल आंटी, क्या कहें, भागदौड़ हमारी कम हो गई इन दोनों बच्चों के, तीनों बच्चों की वजह से ना, ये लोग सब संभाल रहे हैं अपनी तरफ से, तो मुझे टेंशन ही नहीं है। और आंटी आपको कैसा लग रहा है आज? मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। नहीं, अभी अभी एक्चुअल फीलिंग आ रहा है कि शादी हो रहा है and she's getting ready and we are getting that feel. I don't know, I'm getting emotional, so I can't talk much, but yes, she's my little princess, so ये हमारा सबसे काम करने वाला नौजवान लड़का, प्लीज आप रिश्ते भेज सकते हैं क्योंकि अब इसका नंबर क्लियर हो चुका है। सागर अभी अभी खाना ऑर्डर कर रहा था इसीलिए आपने इसे पहले नहीं देखा, बट ये हमारी NLI का भाई है और ये नेक्स्ट अलाइनमेंट।
इसी मेहंदी की रस्म में आ गए हैं दूल्हे राजा यानी कि रुद्रेश। नए जीजा जी कैसे लग रहे हैं खाके? अभी मत बुलवा, उसके दांत में फंस जाएगा यार। अरे यार नहीं नहीं नहीं, मेहंदी लग गई है, हम लोग खाने लग गए हैं। हम लोगों ने एक हाथ खाली रखा है क्योंकि उसके बाद सुरभि की भी शादी होने वाली है, तो तब दूसरे हाथ में लगाएंगे। यस, सो दिस इज फॉर एनएलआई एंड दैट हैंड इज फॉर सुरभि। हो गया तेरा कबाब? अब बोलो। आई थिंक अनकंडीशनल। हां बोलो, अब बोलो। इट्स एन अनकंडीशनल वोट। या दे आर माय, दे आर माय सिस्टर्स एंड देयर इज मतलब देयर इज नो हिंदी में बोलना। हंस के बुलाएंगे हाल दिल का के सुनाएंगे हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। साथ ही मेहंदी की रस्म में पहुंच गई है नेहा लक्ष्मी की बेस्ट फ्रेंड अकाशा जो कि एक सिंगर भी है, और देखिए कैसे वो नेहा लक्ष्मी की शादी की तैयारियां कर यहाँ पहुंची है मेहंदी के रस्म के लिए। सबसे पहले पता नहीं लोगों को, जिनको नहीं पता है, नेहा लक्ष्मी ही बुलाती हूँ मैं इनको, ये मुझे गालियां देने वाली है बाद में। हम एक दूसरे को जानते हैं 11th स्टैंडर्ड से, और मैं अभी आई, काफ़ी लोगों ने देखा नहीं, मैं वीडियो ले रही थी, मुझे एक सेकंड के लिए इतना ऐसे लगा कि इसकी कोई शूट चल रही है क्योंकि कैमरा भी देखा, फिर ऐसा कि इसकी सच में शादी हो रही है। नेहा लक्ष्मी मेहंदी लगा के, ये नेहा लक्ष्मी जो स्कूटी पे मुझे घुमाया करती थी, स्कूल की लड़का थी, ये दुल्हन बन के बैठी हुई है, इतनी अजीब और प्यारी बात है। तो मैं लेट इसलिए आई क्योंकि जो इसकी ही जो शादी के फंक्शन के आउटफिट्स थोड़े मेरे सेट करने थे, मैंने कहा आज के चक्कर में कल की प्रॉब्लम ना हो जाए, सब काम ख़त्म करके मैंने कहा फाइनली मैं आई हूँ, क्योंकि मेरी मेहंदी बहुत सिंपल होने वाली है, मुझे 5 मिनट लगेंगे, जो ये मुझे गुस्सा कर रही है, बट मैं सोच रही हूँ तो नहीं नहीं मैं थोड़ा ऐसे सिंपल लगाऊंगी। भाई मेहंदी की रस्म है, पूरा परिवार और दोस्त शामिल है, ऐसे में डांस तो बनता है ना, तो देखिए कैसे इस डांस से इस रस्म में रंग ही जम गया, और नेहा लक्ष्मी की सहेलियाँ इन्होंने तो लगा दिया डांस का तड़का। नेहा लक्ष्मी के होने वाले पतिदेव यानी कि रुद्रेश से मिलने की, जहां एक दूसरे के बारे में इन्होंने कई बातें बताई, साथ ही बताई अपनी लव स्टोरी भी। जैसे मैं हमेशा कहता हूं मैं बहुत लकी हूं कि बोलते ना मुझे नेहा मिली, बिकॉज बहुत खुद से रियलाइज हुआ, बहुत चीज़ें खुद से रियलाइज हो गई कि क्या कर सकते हैं, मैं कैसा इंसान हूँ, और शी मेक्स मी अ बेटर पर्सन। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत यू नो इफ यू सी एन आर यहाँ पर नेहा रुद्रेश, सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड शी इज ऑब्वियसली लुकिंग, शी इज द प्रीटीएस्ट ब्राइड आउट देर, आई कैन आउट देर इन द सेंस यू आर द प्रीटीएस्ट ब्राइड इन द वर्ल्ड लाइक आउट देर। सो हाँ मैं बहुत 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 स्वीट लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है, और आई फील वेरी लकी। यहाँ पर ये ब्राइड का है एंड यहाँ पर नेहा विद अ हार्ट, और यहाँ पर ग्रूम है, there is no heart here because it's already here with Neha, so heart Neha काफी सालों से but story interesting है कि हम zumba, मैं gym जाती थी, zumba class में हम लोग actually मिले and then we became friends and rest is history। वही zumba class में मिले, वही story वही है, तो story वही है, जो official proposal होता है वो social media पे नहीं डाला था मैंने, बट इसने एक्चुअली प्रपोज किया था मुझे यॉट पर, तो वो ड्रीम प्रपोजल था एंड वो ड्रीम रिंग भी थी, जो जैसे मैं हमेशा इमेजिन करती थी वैसी ही रिंग थी, और वैसा ही प्रपोजल था,
सो मैंने अब तक डाला नहीं है बट मैं आप लोगों को पिक्चर्स दे दूँगी, आप प्लीज़ दिखा देना बिकॉज इट वॉज़ ब्यूटिफुल। और साथ में एक बुक भी दी थी मुझे, उसमें हमारी पूरी स्टोरी के बारे में लिखा था और जब इसने मुझे पहली बार देखा सब कुछ लिखा हुआ था, सो इट वॉज़ ब्यूटिफुल। तू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अब बारी है मिलने की नेहा लक्ष्मी के मम्मी पापा और भाई से। रियलाइज होने शुरू हुआ कि एक्चुअल उसकी शादी होने जा रही है और एकदम शॉर्ट टाइम है हमारे साथ, तो दैट इज़ बी ए वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस। एंड डेफिनेटली प्रिपेयर्डनेस तो है लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा लगता है कि हाँ और कुछ बाकी है, कुछ करना होगा क्या। तो वी आर रनिंग अराउंड एंड वी आर ऑल्सो एन्जॉइंग एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू नो लॉट ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग विद अस, हर फ्रेंड्स आवर रिलेटिव्स। तो बहुत फन आ रहा है, तो बहुत मज़ेदार टाइम बीत रहा है आज। तो हम वेट कर रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट दो दिन में शादी हो जाएगी, तो उसके बाद शादी करके नहीं वो तो नहीं वेट कर शादी करके क्या बोलते हैं रुद्रेश कब आएगा। हाँ रुद्रेश को क्या बोलते हैं वो दामाद कब आएगा। दामाद भी बेटे की तरह ही है, तो वो भी एक एड ऑन है हमारे फैमिली में। तो अभी मेरे दो बेटे और एक बेटी है और एक बेटी आएगी बाद में जब सागर की शादी होगी, तो हम लोग वेट कर रहे हैं वो भी। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे रुलाओ मत कि मैं पेरेंट्स से ऑब्वियसली दूर जाऊंगी, इनके साथ बड़ी हुई हूँ, बट एक एक्साइटमेंट ये भी है न्यू जर्नी स्टार्ट करने की रुद्रेश के साथ और उसकी फैमिली के साथ। और बेस्ट पार्ट इज़ बहुत पास में रहते, तो मैं और मेरा आधा सामान यहीं छोड़ के जाने वाली हूँ, तो मैं हर दो दिन आने वाली हूँ अपना कुछ लेने कुछ नहीं, तो इनको शांति नहीं दूंगी मैं इतने से। मैं शोर वोर जो मचाती रहती हूँ वो मचाती रहूँगी और अब दोनों मिलके मचाएंगे मैं और रुद्रेश, तो वील हैव फन। आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड, एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर दिस न्यू जर्नी दैट वी आर गोना बिगिन। एक्चुअली वो न्यू फैमिली में जहाँ जाने वाली है वहाँ तो ऑलरेडी प्यार मिलना शुरू हो गया उसको, तो डेफिनेटली हम लोग श्योर हैं कि वो बहुत खुश रहेगी। वो शायद हमको भी मिस ना करे ऐसा, बट ऐसा होगा नहीं, बट वो एक एडजस्टमेंट के तरह, मतलब उसको अच्छा लगेगा वहाँ पे रहने का। वो भी सिंगल चाइल्ड है, रुद्रेश भी सिंगल सन है उनका, तो दे आर ऑल्सो वेटिंग कि बेटी बन के आ रही है हमारी, मतलब बहू बन के आ रही है लेकिन बेटी बन के हम लोग उसको रखने वाले हैं इस तरह से। तो हम लोग खुश हैं कि वो मतलब दो जगह की बेटी बनेगी, तो उससे ज़्यादा और क्या खुशी होगी ना। और सास बहू बेटियाँ ये तो है ही उसको फेमस करने के लिए। हम तो करते हैं आपके साथ 24/7 एंटरटेनमेंट वाली पार्टी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ। और हाँ, साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम।